हाय गाइज, आपका अपना चैनल टेक्निकल दिलों में स्वागत है। गाइज, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या आपके भी फ़ोन में ए वाला प्रॉब्लम आता है मैसेज ऐप ओपन करने के बाद। देखिए, ए वाला प्रॉब्लम सेट डिफ़ॉल्ट एज SMS। अगर आपके भी फ़ोन में ए वाला प्रॉब्लम आता है तो आप सिंपली पूरा वीडियो देखते रहिए बिना स्पीक किए। चलिए गाइज, अब हम सिंपली स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए गाइज, आपको सिंपली ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। इस तरीके से सेटिंग ओपन कर लेना है। यहाँ पे सिंपली ऐप, यहाँ देखिए सर्च बार दिखाई पड़ रहा होगा आपको। सिंपली यहाँ पे सर्च बार में ऐप मैनेजमेंट सिंपली सर्च कर लीजिएगा, या तो यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं, नीचे में दिखाई पड़ रहा होगा आपको। सिंपली नीचे से ऊपर कुछ ऐप मैनेजमेंट, आपको सिंपली इस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। इस तरीके से क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इसी तरीके से ढेर सारा ऑप्शन ओपन हो पाएगा। आपको सिंपली देखिए यहाँ पे ऐप लिस्ट के नीचे डिफ़ॉल्ट ऐप्स दिखाई पड़ रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है डिफ़ॉल्ट ऐप्स पर। इस तरीके से क्लिक कर देने के बाद आपके सामने फिर से ढेर सारा इसी तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आएगा। आपको सिंपली देखिए सबसे नीचे में SMS ऐप्स दिखाई पड़ रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने फिर से 3 ऑप्शन ओपन होकर आएगा। आपको सिंपली देखिए यहाँ पर 2 कॉलर पर टिक लगाया हुआ है, आपको सिंपली इसको जब मैसेज पर टिक इस तरीके से लगा देना है। इस तरीके से मैसेज पर टिक लगा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर तीर का लोगो दिखाई पड़ रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से क्लिक कर देने के बाद आपको सिंपली आप अपने होम स्क्रीन पर चले आना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको सिंपली मैसेज ऐप ओपन करना है फिर से। देखिए फ्रेंड, मेरा मैसेज ऐप जो है आप सिंपली काम करने लगा है, आपके भी मैसेज ऐप आप इसी तरीके से काम करने लगेगा। ठीक है फ्रेंड, ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड, हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।